ईद का हो या खुशी का कोई हो त्यौहार, सिर्फ नाजुक ईद मेहंदी के बगैर अधूरी होती है। यही वजह है कि ईद के दिन करीब आते ही पिशावर में जगह जगह मेहंदी के स्टॉल्स लग गए हैं। मेहंदी पर देखते हैं पिशावर से जिशान काका खेल की रिपोर्ट। हिना या मेहंदी खुशी के मौके पर लगाना सनफ नाजिक का पसंदीदा मशगला होता है। खवातीन न सिर्फ हाथों पर नित नए डिजाइन बनाती हैं, बल्कि पाँव की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी दीदा जेब और दिलकश नक्शो निगार करती हैं। छोटी ईद के दिन करीब आने लगे तो मेहंदी की खरीदारी भी बढ़ गई। ये फीमेल लगाती है आजकल, ये बस ईद आने वाली है तो ईद की खुशियों में ये लोग लगाते हैं ज्यादातर। हाँ जी, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ती है खासकर इन दिनों में। पिशावर के मुख्तलिफ बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश लग गया है। खवातीन के मुताबिक कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की खरीदारी के बाद अब फाइनल राउंड खूबसूरत नजर आने का है, जिसके लिए वो मेहंदी की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करती हैं। कि मेहंदी के बगैर तो ईद होती नहीं है और मुझे मेहंदी का बहुत ही शौक है, हर एक लड़की को शौक होता है मेहंदी। अब मैं मेहंदी लेने आई हूँ, मेहंदी हाथ पर पाँव पर लगाऊंगी। मेहंदी के बगैर तो ईद मुकम्मल नहीं, शादी मुकम्मल नहीं। जब तक हाथों पे पाँव पे मेहंदी ना लगी हो कोई भी मजा नहीं है, ना ईद का ना शादी का। खवातीन का बताना है कि ईद की खुशियों को चार चांद लगाने में मेहंदी का मरकजी किरदार है, इसलिए ईद की तैयारी मेहंदी के बगैर नामुकम्मल और बेरौनक है। वक्त बदला, फैशन बदला, लेकिन अगर नहीं बदला तो वो है मेहंदी इस्तेमाल करने का रिवाज। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जिशान काका खेल, दुनिया न्यूज़, पिशावर।